कि मंदिर मस्जिद हाथ फैलाए, मंदिर मस्जिद हाथ फैलाए, बरसों जिसकी चाहत थी, मंदिर मस्जिद हाथ फैलाए, बरसों जिसकी चाहत थी। आज मेरी ये हसरत पूरी हुई है, आज मेरी ये हसरत पूरी हुई है कि मेरे घर एक नन्ही सी परी हुई है। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए गाया कि किलगारी से घर भर दे वो सबके मन को भाए, किलगारी से घर भर दे वो सबके मन को भाए। दुनिया से अनजान वो आके शायद कुछ कहना चाहे, कि सोच रही थी शायद मैंने अच्छी किस्मत पाई, सोच रही थी शायद मैंने अच्छी किस्मत पाई। एक भगवान पिता के घर मैं बेटी बनकर आई, कि खुशी बहुत थी उनको मेरी इस दुनिया में आने की, खुशी बहुत थी उनको मेरी इस दुनिया में आने की, पर डरी हुई थी आंखें शायद इस दुनिया से छुपाने की। जैसे जैसे बड़ी हुई वो चिंता बढ़ती जाए, एक फादर चाहे हम कितने मॉडर्नाइज हो जाए, एक फादर अपनी बेटी के लिए हमेशा केयर करेगा, चाहे वो एक साल की है, 20, 30, 40, व्हाटएवर उसके लिए। जैसे जैसे बड़ी हुई वो चिंता बढ़ती जाए, कैसे अपनी सोन परी को वो गंदी नजरों से बचाए। पंख लगाए समय उड़ा जब यौवन सर पे आए, कैसे बाहर भेजूं उसको अब ये समझ ना आए। कि सपनों को वो दिल में रखकर आगे बढ़ती जाए, सपनों को वो दिल में रखकर आगे बढ़ती जाए, खतरे से अनजान अभी वो कुछ भी समझ ना पाए। सुबह सुबह जब घर से निकले बाप बहुत घबराए, सुबह सुबह जब वो घर से निकले बाप बहुत घबराए, शाम को जब वो घर पहुंचे भगवान का शुक्र मनाए। कि पर आज नहीं हुआ कुछ ऐसा, आज नहीं हुआ कुछ ऐसा, शाम वो ढलती जाए, रात हो गई काली पर अब तक बेटी घर ना आए। अंदर बाहर करते करते नींद उन्हें ना आए, कि दरवाजे पर टिकी निगाहें शायद कोई खटकाए। पर आज किसी निर्दयी हाथों ने मर्यादा को तोड़ दिया, आज किसी निर्दयी हाथों ने मर्यादा को तोड़ दिया, कि जिस्म नोच कर खाया उसका और मरता सड़क पर छोड़ दिया। कि बेसुध हो वो पड़ी धरा पर चिल्ला भी ना पाए, बेसुध हो वो पड़ी धरा पर चिल्ला भी ना पाए, मरने वाली हूं मैं अब अरे कोई तो मुझे उठाए। कि क्या कसूर है मेरा कोई आके मुझे बताए, क्या कसूर है मेरा कोई आके मुझे बताए, कि देख रही है हिम्मत करके कोई तो हाथ बटाए। शायद वो याद होगा कि सड़क पे काफी देर पड़ी रही निर्भया, कोई हेल्प करने नहीं आया काफी देर उसके लिए। कि क्या कसूर है मेरा कोई आके मुझे बताए, कि देख रही है हिम्मत करके कोई हाथ बढ़ाए। बस एक आस बची थी दिल में सांसे चलती जाए, बस एक आस बची थी दिल में सांसे चलती जाए, कि कोई जाए और मेरे पापा को हाल बताए। कि सुन के मेरी हालत वो दौड़े दौड़े आए, कांप गए वो सहम गए वो मंजर देख ना पाए। कि खून में लिपटा देख मुझे टूटे सपने जो पाले, मैं तो मरने वाली हूं कोई जाके उन्हें संभाले। कि हिम्मत करके जीने की सारी कोशिश बेकार गई, और लड़ते लड़ते आखिर में वो सारा जीवन हार गई। कि काश विधाता ने उस दिन कलम को तोड़ दिया होता, काश विधाता ने उस दिन कलम को तोड़ दिया होता, अब भाग्य मेरा लिखने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। कि सारे सपने खाक हो गए आंसू रुक ना पाए, उसके पिता के लिए सारे सपने खाक हो गए आंसू रुक ना पाए, और जिन हाथों में बचपन खेला वो मुझको आग लगाए, जिन हाथों में बचपन खेला वो मुझको आग लगाए। पर अब वो मर चुकी है तो अपने पापा से कुछ कह रही है मरने के बाद, कि पापा तुम अफसोस ना करना मुझको खुद से खोने का, पापा तुम अफसोस ना करना मुझको खुद से खोने का, बस किसी को आशीष ना देना बेटी पैदा होने का, बस किसी को आशीष न देना बेटी पैदा होने का। कि पापा मेरा सब कुछ थे तुम बस इतना कर्म किया होता, पापा मेरा सब कुछ थे तुम बस इतना कर्म किया होता, काश मुझे पैदा होते ही गोदी में मार दिया होता, काश मुझे पैदा होते ही गोदी में मार दिया होता।
भगवान से शिकायत कर रही है और उसके बाद दो लाइनें सरकार के लिए कहूंगा। भगवान से क्या कहती है कि खुद को ईश्वर कहते हो तुम, खुद को ईश्वर कहते हो तुम, ये दर्द समझ तुम जाओगे। खुद को ईश्वर कहते हो तुम, ये दर्द समझ तुम जाओगे। जब किसी बेटी का पिता बन तुम इस धरती पे आओगे, जब किसी बेटी का पिता बन तुम इस धरती पे आओगे। ये लास्ट की दो लाइन है, इसके साथ में फिर अपनी जगह लूंगा। कि संविधान टटोला जाएगा, संविधान टटोला जाएगा और कानून भी तोड़ा जाएगा, संविधान टटोला जाएगा और कानून भी तोड़ा जाएगा। कि जिस दिन किसी नेता की बेटी का जिस्म निचोड़ा जाएगा, जिस दिन किसी नेता की बेटी का जिस्म निचोड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच।